हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और ये सेटअप आप लोगों में से कुछ लोगों को बहुत पसंद आया और कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बट एनीवेज, ये चीज़ें तो ऐसे चलती ही रहेंगी। अभी हम चलते हैं फर्स्ट अपडेट पर, जो कि है निक वॉकर के बारे में। अब निक वॉकर ने कहा ये लेटेस्ट अपडेट शेयर करी, जिसमें आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्रेजी डाइल्ड इन ये अभी भी लग रहे हैं। तो इतना डाइल्ड इन होने का रीज़न क्या है? क्योंकि जितनी बार भी इनसे पूछा गया कि क्या तुम आर्नो क्लासिक यूके में कम्पीट कर रहे हो या फिर आर्नो क्लासिक ओहायो में, निक ने हर बार इस बात को रिफ्यूज करा है कि वो कम्पीट नहीं कर रहा इन दोनों में से किसी भी शो में। बट वॉट इफ उनसे सही क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया? क्या पता सही क्वेश्चन ये था कि आप आर्नो क्लासिक ब्राजील में कम्पीट कर रहे हो। अब देखो, आर्नो क्लासिक ब्राजील, किसी का भी माइंड वहां नहीं जा रहा है, निक से कोई भी वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। और आर्नो क्लासिक ब्राजील है इन दोनों ही शोज के बाद अप्रैल में, वहाँ पे रफायर ब्रांडो भी कम्पीट करेंगे, बहरूस तबानी भी कम्पीट करेंगे। और अगर निक वॉकर जैसा एक अट्रैक्शन वहाँ पे जुड़ जाता है तो सोचो शो की हाइप कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गाइस, पॉसिबल कुछ भी है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं या कोई भी इस बात को कंसीडर कर ही नहीं रहा है। हो सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा शेप रखना और आप अभी तक उनसे क्वेश्चन इस तरह का पूछ नहीं रहे हो। अगर आप पूछो तो हो सकता है वो इस बात को एक्सेप्ट करें या रिफ्यूज़ करें, बट अभी तक किसी के माइंड में ये चीज़ क्लिक कर ही नहीं रही है। एक और अच्छी बात ये है गाइस कि निक की हैमस्ट्रिंग जो इंजरी हुई थी वो अब काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है, मतलब इतनी ज़्यादा कि वो अच्छे से उसे ट्रेन भी कर पा रहे हैं। आप देख सकते हो इस लेटेस्ट ट्रेनिंग वीडियो में, मैं यही देखना चाहता था कि क्या ये अपनी हैमस्ट्रिंग को भी उसी तरह से ट्रेन करते हैं उसी इंटेंसिटी से। सो यस गाइस, काफ़ी हद तक निक की इंटेंसिटी, निक की ट्रेनिंग अपनी हैमस्ट्रिंग के लिए भी वैसी ही जा रही थी। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब रिकवरी अब काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब अगर इनको इनवाइट नहीं मिलता तो ही इज़ गोइंग टू डिसाइड कि किस शो में कम्पीट करना पसंद करेंगे। बट अभी के लिए कुछ नहीं बोल सकते बॉस। बट हाँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि निक इंप्रूव कर रहे हैं, निक अब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहे हैं, निक को पता है क्या करना है। निक को 300 पाउंड नहीं जाना, उन्होंने साफ मना कर दिया, मुझे 300 पाउंड टच करने का कोई शौक नहीं है, मुझे जहाँ जहाँ जिस प्रपोर्शन में इंप्रूवमेंट करनी है मैं सिर्फ उसी पर फोकस करूंगा और वहीं पर इंप्रूव करूंगा। सो आई थिंक आपको याद होगा या फिर शायद नहीं हो कि 2022 का पीरियड था जब निक वॉकर और डेरेक लंसफोर्ड दोनों एक साथ काफ़ी ट्रेन करा करते थे, क्योंकि डेरेक लंसफोर्ड उस टाइम पर टूटल डिवीजन का पार्ट थे। बट एनीवेज, काफ़ी टाइम से अब इन दोनों का साथ में कोई ट्रेनिंग वीडियो नहीं आया है, तो इसी बात पर डेरेक से किसी ने स्टोरी में पूछा कि अब तुम निक के साथ ट्रेन क्यों नहीं करते हो। तो डेरेक ने वहाँ बड़े फनी वे में हंसते हुए बोला कि निक मुझसे डरते हैं और इसलिए वो हाइड कर रहे हैं। तो डेरेक ने ये बहुत ही फनी वे में बोला, उनका मुझे पता ऐसी इंटेंशन नहीं थी, बट मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पर एक फ्रेंडली राइवलरी होना इस स्पोर्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गाइस। और निक, आप देख रहे हो किस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डेरेक और निक के बीच में कंपटीशन चल सकता है, क्योंकि अगर देखें तो डेरेक की एज ग्रुप में अगर कोई एथलीट है तो सिर्फ निक वॉकर हैं। सैमसन डाडा हो गए, बहुत अच्छे एथलीट हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी एज देखोगे वो मिड 30s में है वो भी। और एंड्रू जैक, वो भी सेम ही जा रहे हैं। तो निक वॉकर ही एक ऐसा एथलीट है जो उनकी एज ग्रुप में है, लेकिन निक के साथ एक चीज़ है कि शेप का क्राइटेरिया जो आजकल चल रहा है, आजकल जो पीक में है, डिमांड में है, वो चीज़ बिल्कुल भी फिक्स नहीं बैठ रही है। तो निक के लिए वो चीज़ बहुत ही गलत जा रही है। इसीलिए मैं नहीं समझता कि डेरेक को निक इस पॉइंट पर अभी कुछ आने वाले सालों में, हो सकता है निक आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंप्रूव करें, और अभी अभी ही इज़ ऑल्सो वेरी यंग डेरेक की तरह ही, लेकिन अभी जिस तरह का जोर चल रहा है बिल्कुल भी शेप की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा टाइम लगे इसको मास मास्टर की तरफ दोबारा जाने के लिए। लेकिन अभी अभी तो मुझे लगता है डेरेक कई सारे और टाइटल्स जीत सकते हैं अगर सैमसन डाडा और एंड्रू जैक इन दोनों ने अपनी चीज़ों को सही नहीं करा तो, बिकॉज दोनों में ही कैलिबर है। जिस तरह के एस्थेटिक्स डिमांड में है उस तरह के एस्थेटिक्स इन दोनों के पास ही अवेलेबल हैं। बट इन लोगों को क्या करना होगा, इन लोगों को उस लेवल पर इंप्रूव करना होगा। लेकिन अगर डेरेक के एक्चुअल कंपटीशन के बारे में बात करी जाए तो सैमसन डॉटा के अलावा मैं समझता हूँ डेरेक के एक्चुअल कंपटीशन अभी तक ओपन डिवीजन में आए भी नहीं है। मेरे हिसाब से गाइस वो है क्योन पियर्सन, और इस बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। क्योन पियर्सन एक अपग्रेडेड वर्जन है डेरेक लंसफोर्ड का, और जिस दिन वो ओपन डिवीजन में आ गए, डेरेक लंसफोर्ड इज गोइंग टू बी फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन, वेरी वेरी डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन। मतलब आप देखो क्योन पियर्सन को किस कदर एस्थेटिक्स है, प्लस कंडीशनिंग इनकी डायरेक्ट से अभी इस पॉइंट पर इतनी बेटर है, तो आप सोचो कि इंप्रूव करने के बाद और ज्यादा मसल मास ऐड करने के बाद जब ये स्टेज पर होंगे इनकी कंडीशनिंग कितनी जबरदस्त होगी, मसल मैच्योरिटी कितनी जबरदस्त होगी। आई थिंक नेक्स्ट ईयर वो इस चीज का ट्राई करेंगे, बट अभी के लिए डायरेक्ट लंसफोर्ड को सिर्फ सैमसन डॉडा ही टक्कर दे सकते हैं अगर एस्थेटिक्स की बात हो तो। सैमसन जिस तरह से इंप्रूव कर रहे हैं उनकी भी बात करेंगे हम नेक्स्ट अपडेट में, लेकिन डायरेक्ट मैन अभी उन्होंने ये अपडेट शेयर करी थी थोड़े टाइम पहले, इसमें उन्होंने बताया कि ये उनकी अभी की अपडेट नहीं है बल्कि 5 से 6 वीक्स पहले की है। और इस बात से पता लगता है कि हाँ डेरेक इतने ज़्यादा क्रेजी डाइल्ड इन क्यों है, क्योंकि ये अभी की अपडेट नहीं है, ये मिस्टर ओलंपिया से 6 वीक्स या 5 वीक्स बाद की होगी, तो उस हिसाब से इनका इस तरह क्रेजी डाइल्ड इन होना समझ में आता है। तो यहाँ पर डेरेक ने कैप्शन में यही बोला कि देखो मैं इस अपडेट को पहले इसलिए अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उस टाइम पर ये अच्छी नहीं लगी थी, बट ओवर द टाइम मुझे ये पसंद आने लगी। तो वही है गाइस जैसे हमारे साथ होता है कि हम भी कोई पिक या वीडियो क्लिक करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में वो पसंद नहीं आती, लेकिन ओवर द टाइम हमें कई बार गैलरी में जाते हैं तो देखते हैं हमें वो समझ में आती है, हमें पसंद आने लग जाती है। वही चीज़ डेरेक लंसफोर्ड के साथ हुई, और इसीलिए उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करी है। बाकी अभी डेरेक लंसफोर्ड जे कटलर से भी मिले थे हनी रंबोट के साथ, और यहाँ आप देख सकते हो हाँ मैसिव डेरेक लंसफोर्ड इज लुकिंग, मतलब वो कॉर्ड्स वाला जो स्टॉम्प करते हैं जे कटलर वही ट्राई कर रहे थे करने का।
और काफ़ी अच्छे डायरेक्ट लेंसफ्रंट यहाँ पर लग रहे थे, और जे थोड़े से मुझे डाउन साइज लगे, बट उसके बाद भी गाइस जे कटला है एक प्राइम एग्जांपल है कि 50 क्रॉस करने के बाद भी कितनी अमेजिंग फिजिक वो अभी भी मेंटेन करे हुए हैं, कितना ज़्यादा अच्छा उनका फिटनेस लेवल है। तो यही है गाइस, पीडी यूज अब यूज लोग करते ही रहते हैं, लेकिन हाँ एक स्मार्ट पर्सन होता है वो समझता है किस टाइम पर कैसे रोकना है, कितना यूज़ कम करना है। और आप देखो एक मेंटेनेंस फेज में है ये, और कितनी अच्छी फिजिक इन्होंने मेंटेन कर रखी है, मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल ही डाउन साइज हो गए हैं। अभी भी आप इनको देखोगे तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक आपको नजर आएंगे। बट साथ ही डायरेक्ट से यहाँ पर पूछा भी गया अभी स्टोरी में कि क्या तुम्हारा प्लान है आगे, कितना कंप्लीट करना चाहोगे, बिकॉज यू बिकम अ फादर, अभी उनको बेबी हुई है ना उस वजह से। तो डायरेक्ट ने इसके बारे में यही कहा कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी रिटायर वगैरह होने का, अभी तो मैं और ज्यादा कंप्लीट करूंगा, अभी तो मैं काफी और साल कंप्लीट करने का प्लान करता हूँ। बट इस आर्नोल्ड क्लासिक में गाइस कई लोगों के दिल टूटने वाले हैं लास्ट ईयर की तरह से, क्योंकि सैमसन की फिजिक ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है, हार्डर होती जा रही है ओवर द टाइम, बिकॉज आप देखो 6 वीक्स आउट अपडेट है सैमसंग डॉटर की, और यहाँ पर ये कितने इंसेन लग रहे हैं। अब अगर कंपैरिजन के लिए सैमसंग ने खुद ही डाला था, मैं वो वीडियो लगाऊँ जो लास्ट ईयर के आर्नोल्ड से पहले का था सेम टाइम पीरियड पर, तो देखो सैमसंग की फिजिक में कितनी ज़्यादा हार्डनेस आ रही है, कितनी रिफाइनमेंट आ रही है। तो सैमसंग डेफिनेटली इस वक्त इस पॉइंट पर अपने ऑल टाइम बेस्ट पर हैं, और इनकी फिजिक बहुत इंप्रूव लग रही है, मतलब कंडीशन देख के पता लग रहा है कि हाँ कितनी ज़्यादा मेहनत ये कर रहे हैं, कंडीशनिंग के पॉइंट पर कितना ज़्यादा वर्क ये कर रहे हैं। अब देखो इनके एस्थेटिक्स बहुत ही परफेक्ट है, मतलब डायरेक्ट से भी ज़्यादा अगर एस्थेटिक में फिजिक देखना चाहूँ तो वो सैमसंग डॉटर की ही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैलेंस फिजिक है इनके, हर एक मसल एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल है। तो वही है गाइस, सैमसंग डॉटर बहुत ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं, कंडीशन पर ये काम कर रहे हैं, और इनको पता है हाड़ी छुपन से मुकाबला है, तो कंडीशनिंग का गेम मैन थोड़ा सा तो इनको अप करना पड़ेगा, और एब्सोल्युटली यहाँ पर लग रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ लोगों को कि कई बार आप लोगों ने देखा है, मैं सैमसंग को इतना प्रेज नहीं करता हूँ, सैमसंग को काफ़ी क्रिटिसाइज करने वाले कमेंट भी आते हैं कि मैं सैमसंग के पीछे लगा रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, जो लग रहा है वो लग रहा है। सैमसंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूव लग रहे हैं, सैमसंग फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा रिफाइंड लग रहे हैं, वो ड्राई 80 से ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। तो मुझे इनकी फिजिक देखकर इस वक्त एक्चुअल में लग रहा है कि हाँ अब लेवल अप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और सैमसंग सच में पीक पीक कर करके बार बार जैसे इन्होंने पीक करी है एक के बाद एक शो में कम्पीट करने की वजह से, तो वो चीज़ इनके काम में आ रही है, इनके फायदे में आ रही है। माइलोस को भी पता लग गया है किस तरीके से सैमसंग के साथ चलना है। अब देखो माइलोस कई सारे एथलीट्स को ट्रेन कर रहे हैं, बट माइलोस को भी पता है कौन सा घोड़ा सबसे तेज भागने वाला है, इसीलिए सारा फोकस उनका, सारा ध्यान उनका सिर्फ सैमसंग डॉटर पे है। सैमसंग उसी तरह से इंप्रूव भी कर रहे हैं, हर एक शो में हमें अपने बेस्ट पर दिख रहे हैं। और अब तो मैन इस पॉइंट पर आप खुद देख लो कितना डिफरेंस लग रहा है इन दोनों फिजिक्स में। अब ठीक है थोड़ा लाइटिंग का उन चीज़ों का डिफरेंस है, लेकिन फिजिक की रिफाइन हार्डनेस देखो, मसल हार्डनेस कैसी हो रही है, डेंसिटी देखो कैसी बढ़ती जा रही है, कॉर्ड्स में देखो फेदर्स से आ रहे हैं अभी से ही, और 6 वीक्स आउट है अभी भी, और साइड पोज में जब ये एब्स के शॉट मार रहे हैं तो जैसे हाड़ी चुमन के फेदर्स नहीं आते वेन्स से आ जाते हैं साइड एब्स पे, वैसे ही थोड़ी सैमसंग डॉटर की यहाँ पे पता लग रही है। तो अपनी फिजिक को किस तरह से प्रेजेंट करना है उस चीज़ पे भी काफ़ी ये वर्क कर रहा है। आपने देखा फ्रंट डबल बाइसेप इनका पहले ही काफ़ी एस्थेटिक था, काफ़ी स्ट्रांग पोज था, अब उसको इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट होकर करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा क्लासिक अपील और ज़्यादा ऐड हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मेहनत कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट में, सिर्फ यही नहीं अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने में लगे, ये उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्टेज पर उस चीज़ को दिखाना है कि लोगों को समझ में आए इवन ट्रांजिशन के टाइम पे, तो वो चीज़ सैमसंग डॉटर एब्सोल्युटली कर रहे हैं गाइस। और आपको पता ही है आर्नो क्लासिक की जो जजिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है मिस्टर ओलंपियस, यहाँ पर एस्थेटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करा जाता है। तो लास्ट ईयर भी आपने देखा निक वॉकर कितने ज़्यादा कंडीशन थे, मतलब बाय फार उनकी बेस्ट कंडीशनिंग थी, बेस्ट शेडिड आए थे वो स्टेज पर, उसके बाद भी सैमसंग डॉटर वॉन। उसके बाद क्या हुआ, रॉबरी रॉबरी के काफ़ी वीडियोज आए, इवन मैंने भी बनाया था, इस साल भी वही होने वाला है। आपको पता है हाड़ी चुपन इतने ज़्यादा एस्थेटिक नहीं है, हाड़ी चुपन की फिजिक काफ़ी ब्लॉकी साइड पर है, बस कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी और डेंसिटी जो होती है वो उनमें कूट कूट के भरी है, लेकिन एस्थेटिक्स में अगर बोलोगे तो वो सैमसंग डॉटर के मुकाबले में नहीं है गाइस, ये आपको भी पता है। और मिस्टर ओलंपिया में भी यही हुआ कि डायरेक्ट लंसफर्ड के मुकाबले में वो एस्थेटिक्स में नहीं थे, एक यही रीजन था मतलब जो समझ में आता है। बाकी सैमसंग डॉटर इसी चीज़ में दो में से एक शो में तो आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, जजेस एक शो में तो जरूर प्रेफर करेंगे सैमसंग डॉटर को, अब हो सकता है दोनों में भी कर लें, बट एक के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। और उसके बाद भी काफी वीडियोस आएंगे, इवन शायद मैं भी बनाऊं रॉबरी वाला, बट ऐसा होना पूरी तरह पॉसिबल, इसीलिए मैंने सैमसंग डॉटर की बात करते में स्टार्ट में ही आपसे बोला कि कई लोगों के दिल टूटने वाले हैं बॉस, मतलब मुझे पता ही ये होने वाला है। लास्ट ईयर किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था निक को ही बीट कर देंगे, किसी ने भी, बट ही डिड दैट, तो ये चीज़ हुई और दोबारा होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा हैं, तो मतलब आप एक्सपेक्ट करके चलना ऐसा हो सकता है। और एक बहुत ही अच्छी बात जो सैमसंग के साथ है गाइस कि इनका फ्रेम इतना अच्छा है, इतना ह्यूज है कि अभी भी ये उस पर काफ़ी अच्छा मसल मास पुट कर सकते हैं, और उसके बाद भी इनके एस्थेटिक्स थोड़े से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। इनके पास और ज़्यादा अपील है उसको ऐड करने की, सही एरियाज में ऐड करके, जैसे बैक वगैरह में ऐड करके बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ये बन सकते हैं। सो विलियम बॉनिक के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है गाइस कि विलियम बॉनिक अब चैड निकल्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो चैड निकल्स इस वक्त काफ़ी न्यूज़ में बने हैं, बिकॉज बिग रामी के भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो चैड निकल्स के साथ डैनी जेम्स वगैरह के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं अब,
और साथ में विलियम बॉन्निक का तो ये कंफर्म है कि वो चैड निकल्स के साथ अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे कोच हायर करे हैं। अब उनको कौन ट्रेन कर रहा है? तो गाइस उनके कोच अब वही हैं जो वेजली को, नैथन डियाशा को और स्केलसिंस्की को, इन तीनों को ट्रेन कर रहे हैं। आप इन तीनों की कंडीशनिंग और इंप्रूवमेंट्स देख सकते हो। तो विलियम बॉन्निक ने ये डिसीजन क्यों लिया? मुझे लगता है गाइस कि जिस तरह से चैड निकल्स के साथ वो काम कर रहे थे, उनकी फिजिक अच्छी थी, उन्होंने काफी अच्छी अच्छी प्लेसिंग्स लाई भी उनके अंडर, बट साथ ही में अब वो चीजें एक पॉइंट ऐसा आ गया था जैसे उन्होंने लास्ट ईयर के आर्नोल्ड क्लासिक में परफॉर्म करा था, उसके बाद वो आई थिंक टॉप 5 के भी बाहर रहे थे। तो वो चीज एक ऐसा फेस था इनको सोचने पर मजबूर होना गया कि इतना करने के बाद भी अब उस तरह की इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रही थी, अब चाहिए एक डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट तरीका चीजों को हैंडल करने का, और आई थिंक वो एक डिफरेंट कोच के साथ ही आ सकता है। तो वही चीज है, विलियम बॉन्निक वही ट्राई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज काफी हद तक वर्क कर भी सकती है। मतलब जब आपका लास्ट फेज है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि विलियम बॉन्निक अब ज्यादा कम्पीट करने वाले हैं, तो अभी इस पॉइंट पर मुझे नहीं लगता विलियम बॉन्निक काफी ज्यादा कम्पीट करने वाले हैं। 2-3 साल आई थिंक उनके करियर के बचते हैं मैक्स टू मैक्स, ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। कई लोग तो सोच रहे हैं कि इसी साल विलियम बॉन्निक अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, तो जब ऐसा टाइम हो, ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हो, मतलब आप करियर खत्म होने वाला हो आपका, कोई हर्ज नहीं है, आप नए नए कोर्स ट्राई करो, तो जब ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम हो कि आपको डिसाइड करना हो कि अब मुझे कम्पीट करना रोकना है या फिर लास्ट ईयर हो, आपका ये करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप नए नए कोचेस ट्राई करो, नई नई अप्रोच ट्राई करो, इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो विलियम वही कर रहे हैं, और साथ ही आपको पता ही है विलियम बॉन्निक का रिज्यूम है कितना स्ट्रांग रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन, ओपन डिविजन से और कौन बना है? कोई भी नहीं है गाइस अभी तक जो मल्टीपल टाइम चैंपियन बना हो। आई थिंक विलियम बॉन्निक के बाद सैमसन लॉटा बन सकते हैं अगर इन दोनों में से एक शो भी जीत जाते हैं, और अगर नहीं जीतते हैं तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर ही कैन डेफिनेटली ट्राई अगेन। और मिस्टर ओलंपिया में विलियम बॉन्निक कई बार, मल्टीपल टाइम्स गाइस, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स वो टॉप 5 के अंदर प्लेस हो चुके हैं, इवन टॉप 2 भी आ चुके हैं। बट हाँ, वो साल 2019 था, और 2019 में जो मिस्टर ओलंपिया का लाइनअप था उसको लोगों ने काफी पसंद नहीं करा, बल्कि वीक लाइनअप बोलते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर वीक लाइनअप हो भी तब भी ऐसा कहना नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैड वर्कड हार्ड। तो ऐसा कहना किसी के भी अकम्पलिशमेंट्स को, किसी की भी प्लेसिंग को, किसी की भी अकम्पलिशमेंट्स को थोड़ा नीचे कर देता है। उसके बाद बात करते हैं आप सबके फेवरेट लोगन फ्रैंकलिन की। अब मैं आप सबके फेवरेट क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि कुछ भी हो, लोगन चाहे 10 साल कम्पीट नहीं करें उसके बाद भी इनके फैंस इनको नहीं छोड़ते, इनके फैंस इनके साथ लॉयल रहते हैं उस टाइम पर भी, जो कि बहुत अच्छी बात है, इन्होंने ही अपने फैंस अर्न करें। तो अब बात इनके बारे में ये है कि 2024 में ये कम्पीट करने वाले मिस्टर ओलंपिया में, 2020 के बाद, मतलब 4 साल बाद ये स्टेज पर होंगे मिस्टर ओलंपिया के। उससे पहले इन्होंने कई बार ट्राई करा, एक आध बार क्वालिफाई भी हो गए, उसके बाद ये स्टेज पर नहीं चढ़े। लास्ट ईयर ये काफी ट्राई करते रहे क्वालिफाई करने का, बट नहीं हो पाए, सेकंड आए थे ये कई बार। तो वही है, इस बार अभी इन्होंने अर्ली क्वालिफिकेशन ले लिया ऑलरेडी, तो उसकी वजह से इनके पास काफी टाइम है और ये इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम, ये विजिबल है, आप देखो मसल डेंसिटी इनकी काफी इंक्रीज हो रही है, साइज पैक ऑन कर रहे हैं ये अच्छे से, वेट कैप में इनके अभी भी अलाउड है बिकॉज इनकी हाइट अच्छी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगन फ्रैंकलिन अब इस रिटर्न के साथ 2024 में टॉप 10 क्रैक कर भी सकते हैं? बिकॉज मैन, आई थिंक जब ये पहले कम्पीट करते थे लोग इनको बहुत हवा समझते थे, बहुत बड़ा समझते थे, और टाइटल का कंटेंडर भी समझते थे स्टार्टिंग में। लेकिन अब ये सारी हाइप डाई डाउन हो चुकी है, अब कोई भी इनको वैसे नहीं लेगा। इवन आप देख लो आजकल का लाइनअप मैन, टॉप 10 में प्लेस करना भी एक मुसीबत है, और कितने जबरदस्त एथलीट्स वो होते हैं कॉन्स्टेंटली जो डिलीवर कर रहे हैं, जजेस की नजरों में है, हर वक्त डिलीवर कर रहे हैं और एक से एक फिजिक ला रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता ये इस टाइम पर वेजली को बीट कर सकते हैं, माइकल डबुल को बीट कर सकते हैं, उसको बीट कर सकते हैं। अब तो 9-10 प्लेस आई थिंक आ जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे ऊपर अब इनका करियर वहां इनको लेके जा सकता है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मेरे पास अभी भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, बट शायद वो मैं कल के वीडियो में कवर करूंगा या फिर परसों के वीडियो में। एनीवेज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्नो क्लासिक होने वाला है, बहुत सारी और अपडेट्स आएंगी। इस बार तो इवन आर्नो क्लासिक की स्ट्रीमिंग बिल्कुल फ्री है, मतलब दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट, सो आप भी अपने सिस्टम पर देख सकते हो, या फिर मैं भी स्ट्रीम कर लूंगा और लाइव देखेंगे हम सब लोग मिलकर।